आईटी विभाग के मंडल स्तरीय की क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन रेलवे अधिकारी क्लब में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी के महामंत्री संगठन मंत्री सुनील बंसल, आईटी प्रदेश प्रमुख संजय राय सहित भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश का चहुंविकास हो रहा है। प्रदेश व केंद्र सरकार की सभी योजनाएं जन कल्याणकारी हैं। उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना, सभी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से सबका साथ सबका विकास के तहत सबको प्रदान किया जा रहा है, जिस कारण आज विरोधी हताश हो चुके हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन हमारे आईटी के योद्धा उनको उचित जवाब देते हुए जनता को सही बात बताने का कार्य करेंगे। पार्टी के महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने कहा कि सरकार द्वारा अनेकानेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो पार्टी के आधिकारिक पेज पर भी डाले जा रहे हैं। सभी आईटी कार्यकर्ता इन योजनाओं को अपने पोस्ट के माध्यम से हर तबके तक पहुंचाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आज आईटी विभाग के लगभग 6500 साइबर सोल्जर के माध्यम से एक घंटे के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के संदेश को बूथ इकाई तक पहुंचाने का कार्य सुगमतापूर्वक किया जा रहा है। आईटी प्रमुख संजय राय ने कहा कि पिछले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में आईटी विभाग की एक अहम जिम्मेदारी थी, जिसको सकुशल निभाते हुए बहुमत से सरकार बनाने में कार्यकर्ताओं ने विशेष योगदान दिया।